हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आप सीखेंगे फ्रैक्शंस यानी भिन्नों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, यानी बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखना। तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जैसे ये है कि इनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है, ठीक है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, या इनको आप बढ़ते हुए क्रम में लिखो, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, या फिर घटते हुए क्रम में लिखो, पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का। तो क्वेश्चंस मैंने दो तरह से लिए, एक क्वेश्चंस ये है जिनमें जो न्यूमिरेटर है यानी अंश डिनोमिनेटर से छोटा है। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिरेटर छोटा है, ठीक है, यानी अंश छोटा है हर बड़ा है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनमें जो न्यूमिरेटर है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, यानी जो अंश वो बड़ा है हर छोटा है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक से आप सीखेंगे एंड विद इन 5 to 10 seconds आप कैसे फिगर आउट करें इन क्वेश्चंस को, कैसे इनका आंसर निकालें, ये मैं आपको सिखाऊंगा। इससे पहले कि मैं इन क्वेश्चंस पे आऊं, एक बहुत छोटी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बहुत आसान है, ज्यादातर बच्चों को बिल्कुल आती होगी, लेकिन जो एकदम न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ्स थोड़ा सा, जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम है, उन्हें मैं थोड़ा समझा देता हूं कि जो फ्रैक्शन होते हैं भिन्न होते हैं, अगर उनका डिनोमिनेटर यानी हर एक जैसा है, जैसे 3/11, 4/11 एंड 5/11, अगर ये एक जैसा है तो फिर जिनका न्यूमिरेटर यानी जिनका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। यानी यहां पे ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, तो अगर मैं इसका ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। ये बड़ा आसान है क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर यानी हर है वो एक जैसा है। अगर न्यूमिरेटर एक जैसा हो, मींस अगर आपके पास है 7/11, 7/15, 7/19 और इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहां पे जिनका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा इस समय यह सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। तो अगर आपको इसको ऑर्डर में लिखना होगा तो ये ऑर्डर होगा इस बार ये, यानी सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, यहां पे ये एक जैसा है। आप इसको ठीक से समझ लेना, बिल्कुल आप इसको अपनी आंखों में बसा लेना ठीक से। और जब हम, अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन हैं और उनमें जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि 4/11 एंड 5/12, इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हमें क्या करना है, यहां पे देखो इसका यहां मल्टीप्लाई करो और इसका यहां मल्टीप्लाई करो, 12 × 4 = 48, 11 × 5 = 55। तो आप यहां देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसा है ना हिसाब, तो यहां भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, यानी 5/12 बड़ा है 4/11 से। लेकिन ध्यान रखना इसका मल्टीप्लाई इधर मत करना, इसे ऊपर लेके जाना है। तो अगर दो है तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर दो से ज्यादा होते हैं तो हमारे पास इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं फिर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें जो अंश और हर यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब में डिफरेंट है और दो से ज्यादा है, तो इनको कैसे करेंगे। देखो ऑफ कोर्स एक तरीका जो आपने बचपन से देखा होगा कि इनका एलसीएम एक जैसा कर दो। यानी अगर आपके पास है, मान लीजिए कि 3/11, 5/22 एंड 9/66, मान लो ये है और आपको ये पूछा गया है कि इनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताओ, तो फिर आप क्या करोगे। एक तरीका ये है कि इनका एलसीएम एक जैसा कर दो, यानी देखो यहां ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई करो, यहां ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई करो, सॉरी यहां 3 का। इससे क्या होगा कि ये भी 66, ये भी 66 और ये तो पहले से 66 है, 6 × 3 = 18, ये 5 × 3 = 15 और ये 9/66, तो ये सबसे बड़ा आ गया है। यहां पे हमने इनका एलसीएम लिया है, लेकिन हर बार इतना आसान इजी हो ये हर बार नहीं होता है, आपके पास इस तरह से चीजें आ सकती हैं। तो अब इन्हें कैसे करें ये मैं आपको समझाता हूं। तो इसमें कुछ नियम है ये आपको सीखने होंगे। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इनका गैप एक जैसा है। आप देख रहे हैं गैप एक जैसा है, यहां पे 2 का गैप है, यहां 2 का गैप है और यहां 2 का गैप है। जब गैप एक जैसा हो
तो जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, ध्यान रखना मैं किन किन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, इन सभी क्वेश्चंस में जो अंश यानी न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। सारे क्वेश्चन इस तरह के हैं। अगर यहां ये छोटा होता डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बड़ा होता तो पूरा ही तरीका चेंज हो जाता है, वो आप बाद में सीखेंगे। देखो माय डियर, यहां पे और ज्यादातर आपके पास क्वेश्चन वैसे इस फॉर्म में आएंगे, ये मैक्सिमम चांसेस है कि जिनका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। एनीवे यहां पे गैप एक जैसा है, ये टू का गैप है, यहां पे भी टू का गैप है, यहां पे भी टू का गैप है, गैप एक जैसा है, क्लियर। तो जब गैप एक जैसा हो तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आंसर, वही सबसे बड़ा नंबर, यानी जिनका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो नंबर भी बड़ा होगा। तो यानी यहां पे आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा इनमें से ये है। हमने बस क्या देखा, गैप देखा, गैप एक जैसा है, दोनों का टू गैप है, यहां टू है, यहां टू है। तो इनमें जो जिसका अंश, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो संख्या भी बड़ी होगी। ये समझ आ गया आपको? अच्छा, अब क्वेश्चन इस पे आते हैं। यहां पे गैप क्या है, वन का है, यहां पे गैप क्या है, टू का, यहां पे गैप क्या है, ये गैप है थ्री का। ये क्वेश्चन समझ गए यहां तक? ये गैप वन है, ये गैप टू है, ये गैप थ्री है, लेकिन हमें यहां पे गैप चाहिए एक जैसा, तभी तो हम ये तरीका लगा पाएंगे। गैप को एक जैसा करने के लिए हमें क्या करना है, अब ये देखो यहां पे कि हमें करना क्या है। तो जो गैप है माय डियर उसको हम नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। यहां वन का गैप है, मैंने यहां पे वन लिख दिया, ये टू का गैप है, यहां पे टू लिख दिया, ये थ्री का गैप है, मैंने यहां पे थ्री लिख दिया। जो गैप है उसको नीचे लिखना है, ठीक है, वन टू थ्री। अब तीनों में एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो जिससे तीनों कट जाते हैं, यानी इनके एलसीएम का। तो आप कहोगे कि सर वो तो सिक्स है, सिक्स का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें 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 करेंगे तो तीनों कट जाएंगे। तो सिक्स का मल्टीप्लाई करो, इसमें सिक्स का, इसमें सिक्स का, और इसमें भी सिक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो सीधे सिक्स टाइम्स है, ठीक है, ये दो तीन छह थ्री टाइम्स, और ये थ्री टू जो सिक्स टू टाइम्स, ठीक है। इसमें सिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 90, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पे जो थ्री है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 63, है ना। और यहां पे ये टू है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 74 हो गया। और अब देखो सबसे बड़ा कौन सा, ये बड़ा है ना, तो बस आंसर आ गया हमारा, ये सबसे बड़ा है और फिर ये है, फिर ये, तो यानी इसको हम यहां पे लिख सकते हैं कैसे, सबसे छोटा यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा पहले आएगा, फिर 74 और फिर 90 है। तो इसका मतलब सबसे छोटा जो नंबर है वो है 21/23, ठीक। उसके बाद उससे बड़ा है ये वाला 37/40, और सबसे बड़ा कौन सा है, 15/16। ये आपको तरीका समझ आ गया क्या? हमने यहां पे क्या है, हमने गैप देखा है, जो गैप यहां पे गैप अलग अलग है, तो हमने उसका नीचे मल्टीप्लाई, नीचे रखा पहले जो गैप था और तीनों को जो काट सके उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। देखो इससे एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, अगर आप क्यूरियस हैं जानने के लिए तो मैं समझा देता हूं। देखो यहां पे हमने सिक्स का मल्टीप्लाई किया, तो एक्चुअल में मल्टीप्लाई अगर ऊपर नीचे करें, क्योंकि देखो आपको पता है एक में नहीं मल्टीप्लाई करते ना, चेंज हो जाएगी वैल्यू, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 15/6 90 और 16/6 96 हो गया। यहां पे 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करो तो ये होगा 63/69। यहां पे 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करो, ये हो गया है 74/80, ठीक है, इसमें इसमें। हमने यहां पे केवल ऊपर वाली चीजें लिखी हैं टाइम बचाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में जो पूरी फ्रैक्शन होगी वो तो ये होगी ना। यहां पे गैप देखो, अब आप नोटिस करेंगे कि यहां पे गैप 6 का है, यहां पे भी गैप 6 का है और यहां पे भी गैप 6 का है। तो ये मल्टीप्लाई हमने क्यों किया, केवल और केवल इसके गैप को एक जैसा करने के लिए। तो हमने क्या करना है, इनके गैप को इक्वल करना है, वो आपने देखा किस तरह से किया, और फिर यू नो इजी है आगे, यू कैन सी। अब इस क्वेश्चन पे आओ, लास्ट पे अगेन यहां गैप देखो, ये टू का गैप, यहां थ्री का गैप, यहां फोर का गैप, तो यहां नीचे लिखो टू, यहां नीचे लिखना है थ्री, जो गैप है वो नीचे लिखो, यहां नीचे लिखना है फोर,
हो गया यहां तक। अब इसके बाद ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो जो तीनों को काट सके, यानी इनका एलसीएम, और वो नंबर है 12। 12 से ये और ये तीनों कट जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया 12 का, इसमें मल्टीप्लाई किया 12 का, इसमें मल्टीप्लाई किया 12 का, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैंसिल करना है तो कैसे होगा, 6 बार गया, 2 6 12, ये 4 बार गया और ये 3 बार गया, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 606। ये 4 का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 400 ये, और ये 3 का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 339। ओके, तो आप समझ गए ना, सबसे छोटा फ्रैक्शन ये है, उससे बड़ा ये है और उससे बड़ा ये है। देखो, यानी जो इसमें ऑर्डर है वो क्या है, सबसे छोटा यानी 339 सबसे छोटा है, फिर 412 है, और फिर 1 मिनट है, ओके, और उसके बाद यहां पे सबसे बड़ा ये है 606। तो अगर हम वापस फ्रैक्शन लिखें 339, इसको कन्वर्ट करके हमने किया था, तो ये 113/117 है। उसके बाद ये है और उसके बाद ये है, ये इसका आंसर आ गया। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चंस लेते हैं जिनमें हमारे पास डिनोमिनेटर, ओके, ये क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में क्या है कि जो जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है और जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा है, तो यहां पे रूल थोड़ा चेंज हो जाते हैं। उसमें ये है कि अगर बिल्कुल उल्टे रूल हो जाते हैं जैसे आपने पीछे देखा है, तो यहां पे ये गैप क्या है, ये गैप 2 का है, एक यहां पे भी गैप 2 का है, यहां पे भी गैप 2 का है, गैप एक जैसा है ना। इसमें क्या है कि अगर गैप एक जैसा होगा तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा एकदम उल्टा हिसाब है, जिसका नंबर सबसे ये सबसे छोटा नंबर है तो ये एक्चुअल में सबसे बड़ा होगा। अब समझ रहे हो? तो यानी सबसे बड़ा ये है, फिर उसके बाद ये है, और सबसे छोटा ये है, ठीक है। सब कुछ एक जैसा है केवल और केवल बिकॉज यहां पे, और इनको देखो, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, यानी जिन फ्रैक्शंस के जो न्यूमिनेटर होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का जो रूल है वो प्रॉपर से एकदम उल्टा है, बस ये ध्यान रखना आप। मींस इसमें जो सबसे छोटा नंबर है एक्चुअल में सबसे बड़ा नंबर होगा वो। तो ये बात आपकी समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां देखो, यहां गैप क्या है, 1 का गैप है, ये गैप है 1 का, यहां गैप है 2 का, और यहां गैप है 3 का। तो अगेन ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो जिससे तीनों कट जाते हैं, तो वो नंबर है 6। तो 6 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये तो 6 टाइम्स से जाएगा, ये कट के ये आ गया 3 टाइम्स से आएगा, 2 3 6 और ये 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? अब मल्टीप्लाई करो, 7 6 42, ये हुआ मल्टीप्लाई करके 33, और ये मल्टीप्लाई करके 26, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा हिसाब किस तरह से है। तो यहां पे देखो, सबसे बड़ा ये है, उसके बाद सबसे ये छोटा है, और ये सबसे छोटा है। लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखेंगे तो किस तरह से आएगा, ये नंबर सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा ये नंबर है, और फिर सबसे छोटा ये नंबर है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, 26 एक्चुअल में देखो, ये नंबर तो ये सबसे बड़ा है लेकिन जो फ्रैक्शन है ये सबसे छोटी होगी, तो यानी ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है। फिर इससे बड़ा फ्रैक्शन जो होगा वो क्या है, 11/9, और इससे बड़ा फ्रैक्शन होगा 13/10, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। जो पहला इसका पहला क्वेश्चन है उसमें हमने जस्ट क्या किया है कि इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, तो अगर आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो जैसे ये है, इनको अगर आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, आप चाहो तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो जैसे ही पूछा हो क्वेश्चन में,
बट मेन पॉइंट है कि आपको समझ आना चाहिए कि एक्चुअल में कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहां पे देखो इस क्वेश्चन को, यहां पे गैप 2 का है, ये गैप 4 का है और ये गैप 8 का है। 2, 4, 8 ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो जिससे तीनों कट जाते हैं, तो आप जानते हैं कि इनका एलसीएम 8 आएगा, तो 8 का मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहां पे इससे कैंसिल हुआ तो आ गया 4, यहां से कैंसिल हुआ आ गया 2 और यहां से पूरा कैंसिल हो गया। तो 4 का अगर हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 444। केवल ऊपर ही मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, यहां डिनोमिनेटर में जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू मल्टीप्लाई टू द डिनोमिनेटर। इसमें करेंगे तो 230 आएगा और इसमें तो जरूरत नहीं है, पूरा ही कट गया 203। ये सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर सबसे छोटा होगा, ठीक है, यानी 111/109। ओके, फिर इससे बड़ा ये है 115/111 और सबसे बड़ा ये है 203/195। इज इट फाइन, कोई दिक्कत यहां तक माय डियर? अच्छा, एंड फाइनली एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, उससे क्या है कि ये सारी चीजें आपके पास, कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि क्वेश्चन आपके पास है 35/41, 47/43 and 41/37। ये तीन क्वेश्चन आपके पास हैं, तीन नंबर हैं। अब इनको कैसे करें, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे करें? देखो माय डियर, आप इस फ्रैक्शन को देखो और इसको, इनको देखो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, यहां उल्टा है, यहां जो है जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, यानी ये तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये दोनों ही हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। यानी अगर आप डिवाइड करोगे, ये संख्या एक से ज्यादा होती है, एक से ज्यादा है, डिवाइड करके वन से ज्यादा आएगा, ये भी वन से ज्यादा आएगा और ये हमेशा वन से कम आएगा, ये तो छूटते ही सबसे छोटा हो गया। तो हमें इसका हमें अलग हिसाब करना है, ये हो गया सबसे छोटा, ये अलग हो गया, ओके। अब ये दोनों इससे बड़े हैं, अब इनका आपस में देखो कि कौन बड़ा कौन छोटा है। अब ये गैप 4 का है और ये गैप भी 4 का है, तो यहां पे मैंने क्या बताया था कि जब गैप एक जैसा होता है और वो इम्प्रॉपर हो तो जो नंबर हमें बड़ा दिखता है वो एक्चुअल में छोटा होता है। तो ये 47/43 और ये सबसे बड़ा नंबर है 41/37। ये समझ आया? और इसी तरह से क्वेश्चन आपके पास दिया जा सकता है जिसमें 4 नंबर हो, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 11/13, 21/19, 15/17, 29/27। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो माय डियर, इसमें क्या है कि ये है प्रॉपर और ये है प्रॉपर, ये है इम्प्रॉपर और ये है इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर हमेशा ही छोटे होते हैं क्योंकि वन से कम होते हैं, तो प्रॉपर वालों को आप एक तरफ ले लो, यानी इन दोनों को तो हम इधर ले लेंगे, और जो इम्प्रॉपर वाले हैं उनको अलग ले लो, क्योंकि इम्प्रॉपर हमेशा बड़े ही होंगे प्रॉपर से। अब पहले प्रॉपर प्रॉपर को देखो, इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो पहले मैं इनको एक काम करता हूं, इस तरह से लिख देता हूं, ठीक है, ये मैंने इसे लिखा और ये लिखा, ताकि इनका हम अलग हिसाब कर सके आपस में। इम्प्रॉपर का अलग हिसाब करेंगे हम, 21/19 and 29/27। अच्छा अब देखो, अब मुझे लगता है कि अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है तो आप आराम से इसे फिगर आउट कर सकते हो। यहां पे गैप 2 का है, यहां पे भी गैप 2 का है। जब प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं और गैप एक जैसा होता है तो जो नंबर छोटा होता है वो छोटा ही होता है और जो नंबर बड़ा है वो बड़ा होता है। तो इन दोनों में से, यानी जब गैप एक जैसा है तो ये नंबर बड़ा होता है, ठीक है, तो इन दोनों में से तो ये बड़ा है और इनमें से ये पक्का बड़े होंगे, तो मैं यहां पे आराम से साइन लगा सकता हूं। अब इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो देखो बच्चों यहां पे गैप क्या है, ये गैप 2 का है, यहां पे भी गैप 2 का है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर गैप एक जैसा है
तो जो नंबर बड़ा होता है वो एक्चुअल में छोटा नंबर होता है। तो इन दोनों में से ये नंबर छोटा है, ये बड़ा है, और ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया है। ऑलराइट, सो अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगा, आ चुका होगा। गिव मी योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।